एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित सदेरनपुर गांव पड़ा। लगभग 7000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान रुखसाना हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 2600 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राथमिक विद्यालय में लगभग 410 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 12 सीसी टाइल्स रोड एवं सीसी रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 आवास का निर्माण कराया है व स्कूल में मरम्मत कार्य भी कराया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गाँव में 20 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 50 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, शमशान घाट, पानी निकासी के लिए नाला, कब्रिस्तान की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों तथा सीसी रोड के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। मैं प्रधानपति ग्राम सदीरनपुर, मेरी ग्राम पंचायत में जितनी धनराशि मुझे मिली मैंने उसका पूर्ण रूप से विकास करा दिया, जिसमें 7-8 सड़कें मैंने सीसी टाइल्स बिछवाई, स्कूलों का सौंदर्यीकरण बढ़िया करके कराया, फुलवाड़ी से लेकर सारे शौचालय तक करा दिए गए, शौच मुक्त करा दिया गया गाँव, हर एक व्यक्ति को हमने शौचालय दिया है, शौच मुक्त गाँव हमारा पूर्ण रूप से हो गया है। इस गाँव में पानी की निकासी के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कोई तालाब की ज़रूरत है। एक सवाल मेरा ये है कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान शमशान घाट की बाउंड्री नहीं हो सकी, जिससे लोगों का उसमें अतिक्रमण फैलता है। हमें कब्रिस्तान की बाउंड्री और शमशान घाट बनाने के लिए धनराशि की स्वयं ज़रूरत है। गाँव में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से करीब 70 आवास पूर्ण रूप से तैयार करा दिए हैं, उससे जनता ने बहुत अच्छा महसूस किया है। जिनके ऊपर छत नहीं थी उनको छत भी मिल गई है। मेरा नाम कुमार पाल है, सदरनपुर का रहने वाला हूँ। प्रधान जी ने मेरा आवास बनवाया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिम, प्राथमिक विद्यालय सदरनपुर, मैं यहाँ पर शिक्षा मित्र के पद पर कार्य कर रहा हूँ। स्कूल में हमारे ग्राम प्रधान जी काफ़ी सहयोग करते हैं, सौंदर्यीकरण में भी काफ़ी सहयोग प्रदान करा किया है इन्होंने, और बच्चे भी हमारे यहाँ करीब 171 बच्चे हैं इस टाइम।